हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की और दोनों दिन के जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सभी को डिस्कस करेंगे। 13 नवंबर और 14 नवंबर के जितना भी करंट अफेयर रहे सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है उसी को डिस्कस करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं। ये रहे आपकी पहला क्वेश्चन आज के डेली करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन रिसेंट न्यूज आसाम व्हिच रेलवे स्टेशन रिसीव द स्टेट स्टेटस ऑफ एट स्टेटस ऑफ ईट राइट स्टेशन। इम्पोर्टेंट है, अभी रिसेंटली कौन से रेलवे स्टेशन, आसाम की एक रेलवे स्टेशन, कौन से रेलवे स्टेशन को जो कि रिसीव किया स्टेटस ऑफ ईट राइट स्टेशन। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये जो ईट राइट स्टेशन है ना, ये दी जाती है मतलब ईट टू राइट स्टेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। याद रखिएगा, ये जो अभी रिसेंटली आसाम की जो रेलवे स्टेशन को मिली है, दोनों रेलवे स्टेशन को मिली है, कौन सी रेलवे स्टेशन? ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी। याद रखिएगा, रंगिया रेलवे स्टेशन, रंगिया रेलवे स्टेशन, और एक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मारियानी रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, मारियानी रेलवे स्टेशन एंड रंगिया रेलवे स्टेशन को जो कि ईट टू राइट स्टेशन के स्टेशन का स्टेटस मिली है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा, ए एंड बी। ये जो स्टेटस है ना, ये दी गई है मतलब किसके द्वारा दी गई है? ईट टू राइट स्टेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टेटस दी गई है, मतलब FSSAI के द्वारा दी गई है। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके द्वारा दी गई है। और ये जो स्टेटस दी जाती है मतलब क्यों दी जाती है, याद रखिएगा, ये जो स्टेटस दी जाती है फूड स्टोरेज एंड हाइजीन स्टैंडर्ड एंड न्यूट्रिशन के मामले में ये टॉप की है, इसीलिए उन्हें दी जाती है। मतलब जो स्टेशन है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड एंड न्यूट्रिशन के मामले में ये दी जाती है। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली आसाम की स्टेट के दोनों स्टेशन को ये मिली है, रंगिया रेलवे स्टेशन एंड मारियानी रेलवे स्टेशन को ये दी गई है, ये स्टेटस मिली है। और ये बात भी अच्छे से याद रखिएगा, ये जो हमने डिस्कस की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI, ये एस्टेब्लिश की गई थी 5 सितंबर 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर ये कौन सी प्लेस में स्थित है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और याद रखिएगा, इसका जो चेयरमैन है, इम्पोर्टेंट, ये जितना भी दी जा रहा है ये सभी को याद रखिएगा, चेयरमैन है श्री सुधांश पंत। इसका चेयरमैन है मतलब FSSAI के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और याद रखिएगा, आसाम की जो कैपिटल, आसाम की कैपिटल कौन है? ये है, आसाम की कैपिटल है दिसपुर। याद रखिएगा, दिसपुर से पहले, ये दिसपुर कैपिटल नहीं था, उससे पहले शिलंग था, शिलंग कैपिटल था। और सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, सीएम चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। ये सभी को याद रखिएगा, जितना भी हमने डिस्कस की ये सभी को, जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा रहा है ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन रिसेंटली व्हिच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू अचीव 100% FDI इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट। 100% FDI का मीनिंग क्या है उससे पहले डिस्कस करेंगे। FDI का मीनिंग है, याद रखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा FDI का मीनिंग है। कौन सी फॉरेन कंपनी जो कि 100% FDI दर्ज में शामिल किया जाने वाला, ये कौन सी कंपनी है? याद रखिएगा, ये जो FDI है ना, ये एक नेशन और नेशन के बीच जो कि इन्वेस्टमेंट है, FDI का मीनिंग है, मतलब नेशन और नेशन के बीच और एक नेशन के बीच जो कि इन्वेस्टमेंट है, ये FDI। याद रखिएगा, ये FDI जो कि चार प्रकार की होती है, जो FDI है ना ये 4 टाइप्स की होती है, हमें अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। याद रखिएगा, ये कंपनी है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साफ। याद रखिएगा,
ये साफ जो कि एक स्वीडन की एक कंपनी है, याद रखिएगा, स्वीडन की एक कंपनी जो कि 100% FDI इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट में जो कि उन्हें मिली है। ये फास्ट फॉरेन कंपनी, याद रखिएगा, FDI का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा FDI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और याद रखिएगा ये FDI मतलब फोर टाइप्स की होती है। एक है हॉरिजॉन्टल FDI, सेकेंड है नंबर टू फॉर है वर्टिकल FDI, और कॉन्ग्लोमेरेट FDI नंबर थ्री, और नंबर फोर है प्लेटफॉर्म FDI। सभी के सभी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड रोबोट CEO अपॉइंटेड इन हनसुन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोट को CEO के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। मतलब याद रखिएगा उन्हें CEO के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ह्यूमनॉइड रोबोट, ये रोबोट का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो कि रोबोट बनाया गया है, और ये रोबोट को जो कि CEO के रूप में कंपनी में अपॉइंटमेंट मिली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। याद रखिएगा ये जो रोबोट है ना, ये हमारे लिए कितना खतरा हो सकता है शायद हमें भी अंदाज़ा नहीं है। याद रखिएगा ये जो अभी जो रिसेंटली ये डेवलप की गई है ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मिका। इसका नाम है मिका। याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट कई सारे क्षेत्रों में रहे, मतलब कई सारे क्षेत्रों में हमें ये बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। बट इसमें जो दुरुपयोग, मतलब दुरुपयोग कई सारे भी है, बहुत ही सारे दुरुपयोग है इसका, ये हमारे लिए बहुत ही खतरा भी हो सकता है। याद रखिएगा ये जो कि अभी रिसेंटली जो मिका मतलब ये CEO के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है, बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत ही खतरा हो सकता है आगे। पता नहीं, हमें भी अंदाज़ा नहीं कि ये होगा क्या, मतलब असल में ये होगा क्या फ्यूचर में। याद रखिएगा जो कि अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा जो कि रश्मिका मंदाना के साथ हुआ है, मतलब ऐसा हुआ है कि उनके और एक किसके चेहरे में रश्मिका के फेस मिलाकर वायरल किया गया है, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये हुआ है। याद रखिए मतलब किसी की फेस को और किसी की फेस से मतलब अटैच की जा रहा है, और याद रखिएगा आप सोच सकते हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारे लिए कितना खतरा बन सकता है फ्यूचर में, हमें भी अंदाज़ा नहीं है। याद रखिएगा बट इसका तो बेनिफिट भी है, बहुत ही बेनिफिट है, बट इसका इसका खतरा भी हमेशा बनते रहते हैं, याद रखिएगा। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में, मतलब ऐसा है कि जो हमने डिस्कस की थी लिस्सा, लिस्सा जो कि ओडिशा ओडिशा के एक न्यूज़ एंकर मतलब OTV ने डेवलप की थी, OTV ओडिशा टेलीविज़न ने, हमने डिस्कस की थी ना पिछले वीडियो में, जो कि लिस्सा ये एक न्यूज़ एंकरिंग करेगा, मतलब किसी की भाषा में भी ये न्यूज़ एंकर कर सकता है। और ये जो रोबोट बनाई है, मतलब किसने बनाई है, ये बनाई है हनसन रोबोटिक्स, मतलब जिसका CEO बने, याद रखिए उन्होंने बनाई है। और 2016 में सोफिया नाम की एक रोबोट भी डेवलप की थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, वर्ल्ड निमोनिया डे ये ऑब्जर्व की जाती है 12 नवंबर को, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 12 नवंबर इज नोन एज वर्ल्ड निमोनिया डे। ये ग्लोबल इफेक्ट ग्लोबल एफर्ट और एजुकेशन एजुकेट करने के लिए, मतलब लोगों को एजुकेट करने के लिए ये ऑब्जर्व की जाती है ये डे, निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे। इसका जो थीम है ना, ये थीम यहाँ दी गई है, थीम 2023 में, याद रखना, कैंपनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया, इसका थीम है। और यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट डे रहे, इम्पोर्टेंट डे ये है कि
11 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल एजुकेशन डे के रूप में, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। और ये जो एजुकेशन डे है ना, ये किसकी बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है, अब्दुल, याद रखना, अब्दुल कलाम की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। मतलब जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया की, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर वो है अब्दुल कलाम। और 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और ये किसकी बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है, जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। 1889 में उनका बॉर्न हुआ था। और ये बात अच्छे से याद रखना, अक्टूबर 15 इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अक्टूबर 15 स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। मतलब चिल्ड्रंस डे और जो स्टूडेंट डे है ये एक ही नहीं है, डिफरेंस है। चिल्ड्रंस डे जो है ये सेलिब्रेट की जाती है जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे को, और स्टूडेंट डे अक्टूबर 15 ये सेलिब्रेट की जाती है APJ अब्दुल कलाम की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। ये जो अब्दुल कलाम है ना, इसका APJ अब्दुल कलाम, इसका फुल फॉर्म, मतलब इसका फुल नेम जो है, ये शायद बहुत ही लोगों को पता ही नहीं है, मैं आपको बता दूँ, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है जो APJ अब्दुल कलाम है, अबुल फकीर जैनल अब्दुल अब्दुल कलाम इसका फुल नेम है। और उन्होंने जो कि 11 प्रेसिडेंट थे इंडिया के, याद रखना, उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, इंडिया के मिसाइल मैन कहा जाता है, किस, APJ अब्दुल कलाम को, उसका फुल नेम है अबुल फकीर जैनल अब्दुल। नेक्स्ट नंबर 5, इन रिसेंटली हु अनाउंस दैट टू लॉन्च एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रॉक विद द हेल्प ऑफ ग्रॉक चैटबॉट यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन एक्स। मतलब ये ट्विटर के बारे में बात की जा रहा है, ट्विटर का जो लोगो है ये एक्स है, ये याद रखिएगा। ये जो अभी रिसेंटली अनाउंस की है, किसने अनाउंस की है रिसेंटली, हु अनाउंस, किसने ये अनाउंस किया, लॉन्च करेगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से, एक्स के मदद से, जो कि चैटबॉट ग्रॉक, ये जो देख रहे हो ना, चैटबॉट ग्रॉक को उन्होंने लॉन्च करने के लिए ये बात की जा रहा है। ये है एलन मस्क, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एलन मस्क, याद रखिएगा, जो कि अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से कई सारे क्षेत्रों में भी डेवलप की जा रहा है। और उन्होंने भी ऐसे अनाउंसमेंट की है कि एलन मस्क ने, कि ये डेवलप करेगा चैटबॉट ग्रॉक, याद रखेगा। और मतलब ये जो एक्स से पहले ये ट्विटर का जो लोगो, ये बार्ड ही लोगो था, याद रखना। और एलन मस्क जो कि इसका फाउंडर है, एलन मस्क, मतलब ये एलन मस्क का कई सारी कंपनी रहे, ये सभी के सभी मतलब एक्स नाम से है, रिलेटेड है, एक्स लेटर से कई सारी कंपनी रहे, मतलब स्पेस एक्स हो गया, और एक्स क्रॉप, एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक्स AI, टेस्ला एक्स, एट्सेट्रा, ऐसे ही कई सारी उनकी कंपनी रहे जो कि एक्स नाम से रिलेटेड है, मतलब एक्स लेटर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज द 5th इंडिया BS 2222 मिनिस्ट्रल डायलॉग हेल्ड कौन सी प्लेस में हुआ था, 2-2 मिनिस्ट्रल डायलॉग, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। ये जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है हमारा डिफेंस मिनिस्टर, वो है राजनाथ सिंह, और उन्होंने, उनके द्वारा, और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो है SJ, उनके द्वारा, उन्होंने दोनों के द्वारा ये जो कि रिप्रेजेंटेड की गई थी, ये याद रखिएगा, 2-2 मिनिस्ट्रल डायलॉग हेल्ड, मतलब ये हुआ था न्यू दिल्ली में। और इसमें डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में इशू के बारे में ये डिस्कस की जाएगी, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, NPCI अपॉइंट्स हुम आज द, मतलब NPCI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, याद रखिएगा। अपॉइंट्स हुम आज द UPI सेफ्टी एम्बेसडर, किसने UPI की सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में चुना है, UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की
कितने किससे जो कि सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को ये सिलेक्ट की गई है। NPCI मतलब जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सिलेक्ट की है, किसे? पंकज त्रिपाठी को UPI की सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में, याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली जो कि किसे मतलब यहाँ भी दी गई है, जो ऑप्शन ए जो देख रहे हो ना, MS धोनी, ये SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और लेज की भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी रिसेंटली। और जो नीरज चोपड़ा देख रहे हो ऑप्शन बी पे, वो कौन सी की ब्रांड एम्बेसडर बने? लॉरियस की ब्रांड एम्बेसडर बने। मोहम्मद शामी ने ये देख रहे हो ऑप्शन सी पे, ये स्पोर्ट ब्रांड पुमा की बने ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। ये सभी के सभी ऑप्शन जितना भी दी गई है इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 8, ये बायलेटरल एक्सरसाइज बोंको सागर 23 एंड कोऑर्डिनेट पोर्टल कॉर्पोरेट 2023 पोर्टल 23 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया नेवी एंड विथ हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के बीच हो रहा है? ये तो नाम से तो आपको पता ही चला होगी, ये बांग्लादेश के साथ हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। ये इसका फोर्थ एडिशन था, इसका फोर्थ एडिशन। और ये जो कोऑर्डिनेट पोर्टल कॉरपोरेशन है, इसका फिफ्थ एडिशन, कोऑर्डिनेट पोर्टल कॉरपोरेशन इसका फिफ्थ एडिशन। और ये जो बोंको सागर 23 इसका फोर्थ एडिशन, याद रखिएगा, जो कि ये हो रहा है। और ये बात अच्छे से याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ दी गई है, जो एक्सरसाइज कोंकण रहे ये इंडिया और UK के बीच हो रहा है, एक्सरसाइज अजय या वॉरियर ये हो रहा है इंडिया एंड UK के बीच भी, याद रखना। और संप्रित एक्सरसाइज ये इंडिया और बांग्लादेश के साथ हो रहा है, संप्रित एक्सरसाइज। और अभी हमने जो जितने डिस्कस की कोऑर्डिनेट बोटल कॉर्पोरेट फिफ्थ एडिशन और जो बंगो सागर 23 इसका जो फोर्थ एडिशन, ये भी जो कि बांग्लादेश के साथ हो रहा है। और एक्सरसाइज वरुण 2023 इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी के बीच हो रहा है, याद रखिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 9, ये क्रॉप वेराइटी 2090 इज डेवलप्ड बाय IARI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इट इज़ अबाउट विच क्रॉप, ये कौन सी क्रॉप के बारे में ये डेवलप की गई है, मतलब ये क्रॉप वेराइटी 2090 डेवलप की गई है किसके द्वारा? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये कौन सी वेराइटी है? ये राइस वेराइटी है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये एक राइस वेराइटी है। राइस वेराइटी मतलब एक राइस टाइप्स की होती है, मतलब ये एक राइस वेराइटी टाइप की होती है। राइस का कई सारे वेराइटी होती है, मतलब कई सारे वेराइटी, मतलब राइस का ब्राउन राइस, बासमती राइस, जैस्मिन राइस और मोगरा राइस, बाम्बो राइस ऐसे ही एक नाम है, मतलब राइस का वेराइटी है। वाइल्ड राइस और ब्लैक राइस, रेड राइस, ऐसे कई सारे रहे, यहाँ तो कम ही दी गई है, ऐसे कई सारे इसका वेराइटी रहे, याद रखिएगा। और इंडिया मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, मुझे और एक याद आ रहा है, जो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉप पर कौन सी स्टेट रहे मतलब राइस प्रोडक्शन में, ये होगा वेस्ट बंगाल, सबसे टॉप पर रहे राइस प्रोडक्शन में। और उड़ीसा का रैंक कौन सी रहे इसका? उड़ीसा का रैंक इसमें 8th पोजीशन पर रहे, याद रखिएगा। और शायद एक प्रोडक्शन में जो एक प्रोडक्शन में भी वो उड़ीसा जो कि 8th पर रहे, चेक कर लेना आपने। नेक्स्ट नंबर 10, इन रिसेंटली PV आचार्य पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 एंड ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट, उनका निधन हुआ है और 92 एज में, उन्होंने कौन सी प्लेस की गवर्नर थे, कौन सी प्लेस की, याद रखिएगा। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नागालैंड से थे, जुलाई 14, 2014 में थे, और मतलब उनसे पहले भी उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में मतलब और भी स्टेट में गवर्नर थे, वो है आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर की भी गवर्नर थे। और आसाम की सॉरी जो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और CM है अभी करेंटली जो CM है निफ्यू रियो, उसका नाम ऐसा ही निफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन, याद रखिएगा। सो फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट
डेली करेंट अफेयर देखने के लिए और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में जो जीके भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़ के रहेगा। मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।